जय हिंद दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का टेस्ट देते समय अगर आप टाटा का एस मॉडल चलाना चाहते हो तो उसमें आपको टाटा एस मॉडल की गियर शिफ्टिंग किस तरह से होती है वो आपको आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम रामनिवास सर से जानेंगे कि यहाँ पर आपका गियर शिफ्टिंग किस तरह से होता है टाटा एस मॉडल का। तो सबसे पहले फर्स्ट गियर किस तरह से पड़ता है वो देखेंगे। फर्स्ट गियर बताइए सर, यहाँ पर तो सर इसमें ये है, पहले ये देखो कि पहले इस पे लिखा भी होगा नंबर, ये पुरानी गाड़ी है कुछ मिट गया है। जैसे ये पुराना है तो इसमें आपको नहीं लिखा है, बाकी आपको उस टाइम समझ में आ जाएगा कि रिवर्स कहाँ है और फर्स्ट गियर कहाँ है, मतलब है? हाँ जी, उसके अनुसार अगर नहीं समझ में आ रहा वैसे तो खड़ी गाड़ी पे जब बैठ रहे हो रेटेड देने के लिए तो पहले ऐसे खड़ी गाड़ी में ही आप ऐसे चेक कर लो एक बार, ये जैसे एक नंबर डाल दिया हमने अभी, जी एक नंबर डाल दिया, ये हो गया आपका दो नंबर, अब ये हो गया तीन नंबर आपका, जी ये हो गया चार नंबर, जी जी अब ये हो गया पांच नंबर, सीधा पीछे आपका पांच नंबर हो गया। अब रिवर्स गियर इसका है आगे लेफ्ट में जाकर बिल्कुल साइड में आपका, मतलब लेफ्ट में आपका पूरा ये हो गया आपका रिवर्स गियर पड़ गया, रिवर्स में गाड़ी आ गई। इसमें ऐसे जैसे एक नंबर है यहाँ पे जी, किसी किसी गाड़ियों में एक नंबर यही रहेगा जी, यस मॉडल में अच्छा हाँ, एक नंबर यही रहेगा प्लस गियर जो है बैक होगा पीछे लास्ट में, पीछे इस साइड में लेफ्ट में, यहाँ पर आपका पीछे मिलेगा। अच्छा, किसी किसी का आगे होता है, गियर पीछे रहेगा, ठीक है, इसी गाड़ियों में आप किसी गाड़ियों में जैसे दो नंबर हम लगाए हैं इस जगह पे एक नंबर मिलेगा। अच्छा, ऐसे भी है आगे एक नंबर में, हाँ, ऐसे अच्छा, भी है। तो इस जैसे ये हमारे मॉडल है जैसे टाटा, इसके नॉर्मली कैसे होता है गियर? जैसे गियर सेम है, बस वही सब चीज है, अगर जिसको जैसे कि एक बार थोड़ा शुरू से पूरे गियर आप एक बार पूरा डाल के दिखाइए, बोल ये न्यूट्रल में, अब ये न्यूट्रल में हो गया, अभी हम डालेंगे तो ये एक नंबर डाल दिया, एक नंबर हो गया पीछे, ये दो नंबर हो गया, दो नंबर आगे हो गया, ये तीन नंबर हो गया, ये तीन उसी के सीध में पीछे, ये चार हो गया, चार हो गया, इसके बाद ये पांच हो गया, पांच सीधा पीछे हो गया, उसके बाद ये आपका रिवर्स हो गया जी, ठीक है। तो इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि रिवर्स अगर आगे है तभी जिस गाड़ी में उसका नंबर एक पीछे ही होगा। अच्छा, मतलब जिसका रिवर्स गियर अगर आगे है यहाँ पर तो उसका रिवर्स गियर पीछे होगा, फर्स्ट गियर पीछे होगा, रिवर्स अगर आगे है तो, किसी किसी गाड़िया में रिवर्स अगर पीछे है तो रिवर्स पीछे है फिर भी एक नंबर भी पीछे ही मिलेगा। अच्छा, दोनों पीछे ही हो सकते हैं उसके। अच्छा, किसी किसी मॉडल में साइड में होगा बैक, जैसे ये इसका रिवर्स आगे है साइड में ना, हाँ 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 जी, लेफ्ट बाएं तरफ बिल्कुल जी, ऐसे जी। ही उसका इसी सीध में रिवर्स पीछे होगा और उसके बगल में एक नंबर फिर सीधा दो नंबर तीन नंबर ऐसे मिलेगा। अच्छा, इस तरह से गियर शिफ्टिंग दोनों तरह की गाड़ियां मिलेगी इस मॉडल में। अच्छा, तो इस तरह से आपका टाटा एस मॉडल, जैसे जिसको नहीं समझ में आ रहा, हम भी कभी टेस्ट देने गए थे, हम कभी तो इसमें बैठे तक नहीं थे, हमें पता नहीं था, ठीक है, तो हमने पहले बैठा गाड़ी तो पहले तो गियर चेक किया डाल के खड़ी गाड़ी में ऐसे, मतलब अंदाजा एक लगाओ कि जब हम चला रहे हैं तो हम कहाँ डाल रहे हैं कि उसी स्पीड के हिसाब से जब गियर शिफ्टिंग करेंगे तो हमारा हाथ सही जाएगा। अच्छा, पहले ये चेक करना जरूरी है, अगर नहीं चेक किए चढ़ गए बैठ गए स्टार्ट कर दिए चल दिए, लेकिन एक नंबर तो डाल लोगे खड़े पे ही डालोगे कभी भी, जब चलना स्टार्ट करोगे एक नंबर डाल के स्टार्ट करोगे, उसके बाद में जब चेक नहीं करोगे तो फिर अब कहाँ जाएगा दो नंबर, दो के जगह तीन भी पड़ सकता है, रिवर्स भी पड़ सकता है, जैसे अभी इसका आगे है रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स है इसका, दो के जगह रिवर्स भी मार सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ रिवर्स पे जाएगा क्रेक पूरा आवाज करेगा, क्राउन का आवाज आएगा, गियर का आवाज आएगा, उसमें भाई एक आध डंडा खाने को भी मिल सकता है, डंडा भी खाने को मिल सकता है, क्लच मतलब पूरा दबाना हो जाओगे ना, कितना भी चलती गाड़ी में रिवर्स कभी नहीं लगता है, हाँ चलती गाड़ी में तो लग भी नहीं करेगा रिवर्स, क्राउन तो क्या बोलते हो क्राउन वगैरह ये सब चीजें तोड़ देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, चलती गाड़ी में कभी रिवर्स नहीं लगता है, तो इसमें आप मतलब अगर पीछे हिल रही है अगर गियर डालोगे तो जल्द लेगा नहीं। तो गियर शिफ्टिंग में सबसे मेन ध्यान देने वाली क्या बातें होती है, जैसे क्लच का सही से दबाना, क्लच का सही से दबाना, हाथ अपना गियर पूरा अनुभव सही करना, गियर पूरी तरह से लगाना सही जगह पे,
उसके बाद मतलब एक्सेलेटर का और क्लच का सही कॉम्बिनेशन, मतलब ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें जो ध्यान रखने वाली होती है। अच्छा, तो चलो गियर शिफ्टिंग का बहुत बच्चों का सवाल था कि सर इसको गियर शिफ्टिंग का थोड़ा सा बताइए, तो टाटा एस मॉडल का इस तरह से गियर शिफ्टिंग होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका यहाँ पर गियर शिफ्टिंग होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।